इच्छाधारी भूत। कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो इच्छाधारी होते हैं, जो अपने मन के अनुसार अपना चेहरा तक बदल लेते हैं। एक नाग और नागिन बड़े ही शिव भक्त थे। वो दोनों के दोनों तकरीबन रोज ही शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने आते। दोनों के पास ही मणि थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उन दोनों सर्पों को नागमणि के साथ देख लिया। मणि में से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर पुजारी के मन में लालच आ गया। उसने नाग नागिन को मारने की योजना बना ली। हे नाग नागिन, तुम लोग कब से इस मंदिर में आते जाते हो? मैं इस मंदिर का पुजारी होते हुए तुमसे ये विनती करता हूं कि अपनी मणि मुझे दे दो। इस मणि को हम किसी को भी नहीं दे सकते पुजारी जी। इस मणि को अपने पास रखने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और फिर लोगों को कष्ट भी पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है नाग देवता, जैसी आपकी इच्छा। अब तो पुजारी जी के मन में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का ख्वाब सजने लगा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि नाग और नागिन को खत्म करना है किसी भी कीमत पर। आखिरकार उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि अगली रात को जब ये नाग और नागिन मणि समेत मंदिर में प्रवेश करेंगे, तभी पुजारी जी घंटी बजाकर इनके आने का इशारा करेंगे और सारे दोस्त अपने अपने हथियारों से उसी वक्त नाग और नागिन का खात्मा कर देंगे। अगले दिन हुआ भी ऐसा ही। जब नाग और नागिन शिवजी की पूजा करने के लिए मंदिर में आए, तो उन्होंने पुजारी जी से आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए मंदिर का दरवाजा बंद किया जाए। मंदिर तो सभी के लिए खुला होता है, मंदिर के दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं किए जा सकते। इतना कहने की देर थी कि पंडित ने घंटी बजाकर अपने दोस्तों को भी मंदिर के अंदर बुला लिया, जिन्होंने डंडों से पीट पीट कर नाग और नागिन को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने उनसे वो उनकी मणि भी छीन ली। लेकिन नाग और नागिन तो इच्छाधारी थे, इसलिए अब वो इच्छाधारी भूत बन चुके थे। अगले दिन जब पुजारी ने खुश होकर अपने घर में अपने दोस्तों को पार्टी दी, तो वही इच्छाधारी नाग और नागिन भूत बनकर उनके घर आ पहुंचे। हम दोनों तुम लोगों को मारने आए हैं। तुमने हम दोनों को मारकर हमसे मणि छीन कर अच्छा नहीं किया पुजारी। इस कृत्य के बदले अब तुम सबको मरना होगा। तुम सब मरोगे। ऐसा कहकर इच्छाधारी नाग बना भूत दरवाजे का कुंडा बंद करके वहीं खड़ा हो गया और इच्छाधारी भूतनी बनी नागिन एक एक करके सारी दोस्तों को मौत के घाट उतारने लगी। जैसे को तैसा सुबह ये खबर पूरे गांव में फैली कि पुजारी जी अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर मरे पड़े हैं। सारा का सारा गांव उनके घर पर इकट्ठा हो गया। अरे देखो तो, पंडित जी की कितनी बेरहमी से हत्या हुई है। लगता है किसी ने बुरी तरह से मार मार के इनको मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों की भीड़ में ही मौजूद इच्छाधारी भूत बने नाग नागिन एक बार फिर से गांव वालों का भेष धारण करके कहने लगे, लगता है ये किसी दुश्मनी का अंजाम है। ये इनके दुश्मन ने ही इनका ये हाल किया है। जो जैसा करता है वो वैसा फल भोगता है। इसी भीड़ में शामिल था
पुजारी का लड़का पिंटू भी। पिताजी जब कल घर आए तो बड़े खुश थे। उनके हाथ में एक मणि भी थी। वो कह रहे थे कि अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊंगा। कहीं कहीं उसी मणि की वजह से तो क्या कहा? मणि? ये मणि क्या होती है? ये मणि नाग जाति के सांप से ही मिल पाती है। न जाने पिताजी मरने से पहले मणि कहाँ रख गए हैं। तब तो ये मणि हमें जरूर खोज निकालनी चाहिए, नहीं तो जिसके पास ये मणि होगी वो भी मारा जा सकता है। हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कहते हो। हाँ हाँ सही बात है, जल्दी खोजो मणि, कहीं हमें नुकसान न पहुंच जाए, कहीं हम न मारे जाए इसके चक्कर में। और यूं ही बातें करते करते कब दिन बीत गया किसी को मालूम न पड़ा। दहशत से भरे लोग शाम को अपने अपने घर चले गए और उसी रात पुजारी के घर में मौजूद इच्छाधारी नाग नागिन फिर से भूत बने और उसके बेटे पिंटू से पूछने लगे, बता मणि कहाँ है? बताता है या तुम्हें यही मार दे अभी? आप कौन हो? हम नहीं जानते मणि कहाँ है। आप हमें छोड़ दो, हम वाकई नहीं जानते पिताजी मणि को कहाँ रखे गए। अच्छा, नहीं जानता? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज के बाद तू जिंदा ही नहीं रहेगा किसी को कुछ बताने के लिए। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। और इतना कहते ही इच्छाधारी भूत बने नाग नागिन पिंटू को मार देते हैं। अब पिंटू की माँ सुंदरी की तरफ मुड़ते हैं। वो सुंदरी से भी यूं ही प्रश्न करते हैं, मणि का पता बता दे। मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूं, समझा? मैंने ही मणि रखी है अपने पास, क्योंकि ये मणि शिव जी का प्रसाद है। ये मणि हमेशा सत्य का साथ देती है। तुम दोनों ने अपने अपने दुश्मनों को मारकर अपना बदला ले ही लिया है, तो फिर अब मुझसे क्या लेने आए हो? देखो देखो, तुमने मेरे पति को मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, और अब मेरी ही आंखों के सामने तुमने मेरे बेटे को मारा। क्या गलती थी उसकी, बोलो? गलती करे कोई और भोगे कोई? इतना कहते ही घर में रखी हुई उस मणि के अंदर से चमत्कारी शक्तियां निकलकर सुंदरी के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि मणि सत्य का साथ देती है। सुंदरी ने अपनी उसी चमत्कारी शक्तियों से इच्छाधारी भूतों को मारकर हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। मणि को उठाकर शंकर भगवान के चरणों में रखा, जिससे वो हमेशा के लिए शंकर जी के चरणों में विलीन हो गई।